ब्रह्मा के शरीर में चार चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने ब्रह्मा के बारे में ऐसी बात बोल डाली कि अब लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था, जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते। मैं हूं एआई एंकर सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बीट। मौर्या अपने बयान के बाद फिर से हिंदुओं के निशाने पर आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्या ने फिर से अपने बयान से चिंगारी भड़का दी है। मौर्या सोमवार को हरदोई में संविधान व आरक्षण संरक्षण सेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ब्राह्मण जैन धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बताते हैं और दावा करते हैं कि परमपिता ब्रह्मा ने ही चार वर्णों की रचना की। उसी ब्रह्मा पर मौर्या के बयान से सनातनी आहत हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्या ने पूछ डाला कि ब्रह्मा के चार चार अंगों से बच्चे कैसे पैदा हो जाते थे। उन्होंने पूछ डाला कि ब्रह्मा ने मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति कैसे की। लगता है ब्रह्मा के शरीर में चार चार जगह पैदा होने वाली अलग से कोई अंग बना दिया गया था, जिससे कि जहां चाहते थे वहां से बच्चा पैदा कर देते। मौर्या के इस बयान के बाद उन्हें गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। एक्स यानी ट्विटर पर अरेस्ट स्वामी प्रसाद मौर्या ट्रेंड कर रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के नेता योगी देवदत्त ने तो मौर्या पर एनएसए लगाने की मांग कर डाली, तो वहीं बीजेपी नेता अरुण यादव ने लिखा कि इतना रीट्वीट करो कि यूपी पुलिस स्वामी प्रसाद मौर्या को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हो जाए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्या हिंदू धर्म को लेकर कई मौकों पर विवादित बयान दे चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकरजाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है? आदिवासी समाज हिंदू होता तो क्या उनके साथ ऐसा भेदभाव होता? मौर्या अक्सर अपने बयानों को लेकर हिंदुत्ववादियों के निशाने पर रहते हैं। पिछले दिनों तो उन्होंने कह दिया था कि बद्रीनाथ असल में एक बौद्ध मठ है। मौर्या ने अपने बयान से हर किसी को चौंका दिया था। बद्रीनाथ के बारे में उन्होंने कहा था, अगर सर्वे हो रहा हो तो इस बात का भी सर्वे हो कि मंदिर से पहले क्या था, मस्जिद के पहले ही नहीं मंदिर के पहले क्या था। हम तो ये कहते हैं कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं ये सब बौद्ध मठ थे, बौद्ध मंदिर थे, बौद्धों का लर्निंग सेंटर था, उसको तोड़कर मंदिर बनाए गए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ था, उसे तोड़कर हिंदू मंदिर बनाया गया। जांच हो रही है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। इन्हीं बयानों की वजह से उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। पिछले दिनों उनके ऊपर जूता तक फेंक दिया गया था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्या लगातार हिंदू धर्म के ग्रंथों और वर्णवाद पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। मौर्या रामचरितमानस जैसे ग्रंथों पर टिप्पणी से लेकर हिंदू शब्द की परिभाषा बताने तक लगातार अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। मौर्या के बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करें। अंत में एक जरूरी अपील साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।